जिसकी पासपोर्ट साइज की फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, इसका नाम लक्ष्मी चंद्र था, जो रेलवे में कर्मचारी थे। इनकी गलती बस इतनी थी कि इन्होंने शराब के ठेके पर हंगामा काट रहे दो युवकों को शांत कराने की कोशिश की थी, जिसके बाद एक युवक ने झगड़ा बंद करने की जगह इन पर ही चाकू से हमला कर दिया, जिससे लक्ष्मी चंद्र इस कदर घायल हो गए कि उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला अम्बाला का है, जहां सबका गांव के सतवंत सिंह ने लक्ष्मी चंद्र पर चाकू से हमला किया था और वारदात को अंजाम देने के बाद ही फरार हो गया था। तो उनके आपस में बहसबाजी के दौरान उसने चाकू मारा जिसको। क्या करते थे? कौन जिसके चाकू लगाया? वो रेलवे में थे जी, सर्विस करते थे। मैं मारकंडे से आ रहा था जी, माथा टेक के, और थोड़ा हमन कराया था ना घर में, तो उसका वो मारकंडे में गया था जी। तो उधर से आ रहा था मेरे सामने, मतलब मैं थोड़ा दूरी पर गया तो चप्पू मार के फरार हो गए जी वहाँ से। कितने लोग? फिलहाल तो काफ़ी कड़े थे, पर मारने वाला अकेला था। मैंने वहाँ पूछताछ करी ना, कर वो नशे में था जी। हाँ जी, हाँ जी। इनके आपस में कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था जी। वो थोड़ा लड़का है, वो रिवॉल्वर भी रखता था जी, कट्टा। पता लगा मुझे, मैं भी कुछ इतर किसी को एडमिट पेशेंट को देखने के लिए गया हुआ था, मेरे फ़ोन आया तो भी ऐसे करके बात हो गई है। मैं वहाँ चला तो पता लग गया गांव में आके भी वो ठेके पे पास पे दोनों झगड़ रहे थे। तो उसने जो सबके का लड़का था वो ऐसे ही है, मतलब कि शरारती तत्व है। तो उसने झगड़ रहे थे आपस में दोनों किसी बात के लेके, तो उसने उनको चक्कू मार दिए। किसको? लक्ष्मी चंद जी को, और जो जसवंत है सबके का उसने, तो उसको लेके गांव को, उसके ताई का लड़का जो उधर मारकंडे पे आतवार संडे का दिन है, मत्था मुत्था टेकने के लिए जा रहा था। तो वापसी में पता लगा भी मेरे चाचे के लड़कों कैसे कर गया, उसको उठा के हेल्पी यहाँ सिविल हॉस्पिटल लेके आया घर पे। पता गया बाहर वही घर है उनका। तो जैसे ही यहाँ पता लगा मेरे को दोबारा फिर फोन किया, ऐसे करके बातों की। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने लक्ष्मी चंद की छाती में चाकू से हमला किया था और उसे पूरी तरह से घुमा दिया। उधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। ठेके पास खड़ा था और सतवंत सिंह सबका गांव का, उसने इसको चक्कू मारे को। गांव वाले उठा के इसको सिविल अस्पताल में ले आए, वहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन रुका, डॉक्टर आया हॉस्पिटल से, हम यहाँ पे इसकी कार्रवाई करने के लिए। किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया जी? सतवंत सिंह। गिरफ्तार हो गया कि नहीं? ना, अभी नहीं गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी का मृतक के साथ कोई भी झगड़ा या रंजिश नहीं थी। आरोपी एक शरारती तोता है, जिसकी अक्सर शिकायतें मिलती रहती थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी नशे का आदि है और उसके पास चाकू के साथ साथ पिस्टल भी है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब के सूटी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।